देखिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो कि कुछ देर पहले इन्हें स्टार्ट किया था रेगुलराइज ऑफ डेली वेजेस, उनको ये करना चाहिए एज दे हैव प्रॉमिस्ड, बिकॉज इस डेली वेजेस को आज इतने साल हो गए स्ट्रगल करते हुए और गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग अबाउट इट, बिकॉज आफ्टर इनिशिएटिंग द प्रोसेस अगेंस्ट मतलब लाइक फॉर देम दे आर नॉट डूइंग इट, दे आर नॉट प्रोसेसिंग इट, दे आर नॉट गिविंग द रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स. और फिर अनाउंस करने का मकसद क्या था कि आप लोग अपने आधार अटेंडेंस करो, आप लोग ये करो, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भरो ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, और आज भी कुछ नहीं हुआ है, आज तक कुछ नहीं हो रहा है उस पर. ये मुझे लगता है गवर्नमेंट को अब इनिशिएट करना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ दीज डेली वेजेस, क्योंकि ये लोग सफ़र कर रहे हैं, और नॉट इंडिविजुअली डेली वेजेस सफ़र कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी सफ़र कर रही है. ये दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, दे हैव सेक्रीफाइस देयर टाइम, दे हैव सेक्रीफाइस देयर करियर ऑन फॉर सम पिटी पीनट्स गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को उसका ख्याल रखना चाहिए. और साथ साथ में ये भी कहूँगा मोबाइल टीचर्स जो ट्राइबल में हैं उनका भी इन्हें लटका के रखा है, ऑल जोन से सारा कुछ मंगवाने के बाद भी दैट इज स्टिल पेंडिंग, सो उस पर भी गौर करना चाहिए और इन लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि इनमें से काफ़ी लोग अब ओवर एज हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, 17-17 साल से 6-6 हज़ार रुपये के लिए पीनट्स के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. इनसे धोखा नहीं हो, मेरी गवर्नमेंट से अपील है और ख़ासकर गवर्नर साहब से अपील है कि इससे जल्द इस पर एक फैसला लिया जाए.